बैतुल माल कमेटी भिलाई की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जकात फितरे का वितरण किया गया। इसके तहत गरीब मुफलिस लाचार और अपना जीवन यापन करने में असमर्थ लोगों को जीवन यापन करने के लिए सिलाई मशीनें और हाथ ठेले दिए गए। मुस्लिम समाज में सामाजिक स्तर पर मुफलिस गरीब लाचार लोगों की मदद करने के लिए अपनी कमाई से कुछ पैसे अलग निकाल कर रखे जाते हैं, जिसे जकात फितरा कहा जाता है। इन्हीं पैसों से समाज के निचले स्तर के लोगों की मदद की जाती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बैतुल माल कमेटी भिलाई द्वारा इस वर्ष भी अपने परिवार का भरण पोषण कर पाने में असमर्थ लोगों में जकात फितरे का वितरण किया गया। इसके तहत जहां पुरुषों को हाथ ठेले व्यवसाय करने के लिए दिए गए, तो वहीं जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई का कार्य कर सकती हैं, उन्हें सिलाई मशीन देकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की पहल की गई। साथ ही कमेटी द्वारा ऐसे परिवार की मदद भी की जाती है जो अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा नहीं करवा सकते और ऐसी स्थिति में बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है। ऐसे परिवारों को उनके बच्चों की फीस जमा करने के लिए आर्थिक मदद भी की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले प्रोग्राम में मेहमानों का इस्तकबाल किया गया, फिर मेहमानों ने बैतुल माल कमेटी के द्वारा किए जा रहे इस नेक काम के लिए कमेटी का शुक्रिया अदा किया। हम सिलाई करना चाहेंगे, काम कर रहे हैं वही करना चाहेंगे, दूसरे से कपड़ा लेके सिलाई करते हैं। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत खराब थी, बैतुल माल कमेटी ने उस चीज को समझा, तो बैतुल माल कमेटी को क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया जी। आज किस तरह से आप अपना जीवन अर्पण करेंगे इसके बाद? इसके बाद सिलाई करके आगे बढ़ना चाहूँगी, बच्चों लोग की परवरिश अच्छी करने की कोशिश करूँगी और अल्लाह का शुक्र है और इस कमेटी के भी शुक्र अदा है जिससे मुझे आगे कामयाबी के लिए मशीन मिली है। ये हमारा हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। गरीब सिलाई मशीन हाथ ठेला रोजगार के लिए दिया जाता है। ये सिलसिला हमारा पिछले 28 सालों से चल रहा है, इस साल हमारा 29वां साल चल रहा है। हम लोग क्या है, रमजान के महीने में इतना जगह इकट्ठा करते हैं हमारे कमेटी वाला और इसी पैसा से स्कूल का फीस, कॉलेज का फीस, ये सब दिया जाता है। और ईद के पहले जो फितरे का काम वो भी हम लोग पहले ही बांट रहे हैं जी। आज कितने हाथ ठेले और कितनी सिलाई मशीन? आज 10 हाथ ठेले दिए जाएंगे, 15 सिलाई मशीन। 15 सिलाई मशीन। अगर इसके बाद भी अगर जैसे सिलाई मशीन जिनको दी जा रही है उनको अगर कोई दिक्कतें आती हैं, तो क्या जैसे वो सिलाई कर रही हैं, किसी चीज़ को कर रही है, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है उनको, तो बैतुल माल कमेटी किस तरह से उनका सहयोग करेगी? जैसे जिस प्रकार का केस आता है उस टाइप से मदद करते हैं। सिर्फ सिलाई मशीन हाथ ठेले वाली बात नहीं, यहाँ गरीब लोग आ जाते हैं, दवाई नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है, एक्सरे कराना है, ये सब मैयत है, कफन के लिए पैसा नहीं है, ये सब है। शिक्षा के क्षेत्र में बैतुल माल कमेटी क्या कर रही है शिक्षा को लेकर? शिक्षा के क्षेत्र में बैतुल माल कमेटी क्लास 1 से अच्छा पहले से मास्टर डिग्री ये पूरा फीस देते, आधा कटौती नहीं करते। अगर किसी के 36,000 फीस है, 36,000 पूरा दे रहा, मतलब ऐसा नहीं कि चलो हम 10% देते, 5% देते, ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जितना है उतना। पर पिछले कोरोना काल में 2 साल हम लोग तो पिछला दिए, जैसे जैसे का दोनों काल में तो बंद हो गया था काम धंधा, तो 2-2 साल का भी फीस हम लोग इस साल बताए। बैतुल माल कमेटी भिलाई द्वारा हर साल कमेटी के नुमाइंदों द्वारा जकात फितरा का वितरण किया जाता है और ऐसे लोगों को अपने परिवार की परवरिश ठीक ढंग से करने के लिए मदद की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।